दोस्तों, आपका इस चैनल जे केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के बारे में आइडिया लेंगे, जैसे कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंसी उसका पढ़ेंगे, कैसे चार बॉन्ड होता है, इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन के बारे में आइडिया लेंगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन को कोरिलेट करने वाला टर्म को सीखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ को सीखेंगे, बॉन्ड लेंथ को सीखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन की विशेषताएं, ठीक है ना। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन की विशेषताएं, गुणधर्म, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग लगाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन की विशेषताएं, हिंदी क्या होगा बाबू, कार्बन की विशेषताएं, विशेषताएं, कार्बन की विशेषताएं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ये महत्वपूर्ण है। हम लोग केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कार्बन ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कार्बन की हर चीज आइडिया होनी चाहिए, कार्बन की सभी बेसिक प्रॉपर्टीज, इसका विशेषताएं, हर चीज के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, स्पष्ट ना। तो चलिए हम लोग पहला विशेषताएं पढ़ रहे हैं, टेट्रावायलेंट, पहला क्या पढ़ने वाले बोलो, टेट्रावायलेंट चतुष्संयोजी, चतुष्संयोजी। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषताएं, टेट्रावायलेंट, मिस्टेक लिखा गया ना, टेट्रावायलेंट हिंदी होता है चतुष्संयोजी, चतुष्संयोजी। अच्छा, टेट्रावायलेंट का मतलब है कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन चार बॉन्ड कैसे बनाता है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा छोटू। कार्बन का परमाणु संख्या आपको पता है जेड बराबर सिक्स होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, सिक्स होता है। इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तुमको आइडिया होगा, कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरे भाई 1s2 2s2 2p2, स्पष्ट ना। आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, ये ऑर्बिट नंबर यहां से यहां सेकेंड, ऐसे कर लीजिए, क्लियर ना। एस के लिए ऑर्बिटल की संख्या एक होती है, बक्स P के लिए तीन होती है, ये आप बचपन से जानते हैं, क्लियर ना। एक बात और, ये जो चीज लिखा गया ना, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है ये कौन स्टेट में लिखा गया है, ग्राउंड स्टेट में लिखा गया। और ग्राउंड स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2s में, दो, एक अप और एक डाउन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, क्लियर ना। अब देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल्स में अकेले इलेक्ट्रॉन रहे ना, उसी को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन रहे तो ग्रह के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं कहेंगे, उसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, स्पष्ट ना। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो यहाँ कितना है, दो है, तो ये दो एक बक्सा में है तो अनपेयर्ड है, नहीं है, अकेले रहेगा तब अनपेयर्ड कहेंगे, ये बताओ, तो ये अकेले अकेले है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, दैट मीन्स एन बराबर कितना है, दो है। आई यही एन कोवैलेंसी होता है, माने बॉन्ड बनाने की क्षमता होता है इसका, कोवैलेंसी। बेसिकली हम लोग पता है कि ये कार्बन, बताओ, दो बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंसी दो होता है कि चार होता है, चार होता है, क्या होता है, चार होता है, इसलिए इसका एक्साइटेड स्टेट, इसका ऑर्बिटल खाली है ना, तो इसमें से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कूद के चला जाएगा ना, तो इस
प्रक्रिया को हम लोग, फिनोमिना को हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो यही चीज एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो एक बच जाएगा, और पी में चला गया तो एक पहले से था और इसमें आ गया। तो बताओ यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन एन बराबर कितना है, चार है। यही इसका क्या होगा, कोवैलेंसी होगा, बाउंड बनाने की क्षमता। तो टेट्रावैलेंट कार्बन कब आ रही है, जब विन्यास एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था में जा रही है तब। बात समझ में आ गया क्या? तो पहला ये आप लोग खूब अच्छा समझ गए। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई कार्बन है, ठीक है ना। कई बाउंड बनाता है तो कार्बन याद है हमेशा चार बाउंड बनाता है, तो एक बाउंड बना लिया, दो बाउंड बना लिया और ये तीन बाउंड बना लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया, ये बनाया गया इस, ये बाउंड है, ये भी सिंगल बाउंड है, ये भी सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड, सिंगल बाउंड, लेकिन ये जो बाउंड है ना ये इनसाइड द बोर्ड, माने बोर्ड के अंदर है, ये जो बाउंड है इनसाइड द बोर्ड, बोर्ड के कहाँ है, अंदर है, और ये जो है आउटसाइड, माने बोर्ड के बाहर, आउटसाइड द बोर्ड, बोर्ड के बाहर। इसके बीच का जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये पार्टिकुलर बात याद होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं कि कार्बन उत्तेजित अवस्था में चार बाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि कार्बन उत्तेजित अवस्था में चार बाउंड बनाते हैं, चार बाउंड बनाते हैं, बनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्पष्ट ना। तो ये पहला हम लोग विशेषताएं देखे टेट्रावैलेंट कार्बन की, समझने में कहीं दिक्कत नहीं है। आप ये सब चीज एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, एक्साइटेशन रूल, ठीक है ना। तो एक्साइटेशन रूल यदि आपको याद नहीं होगा तो उसको रिविजन कर लीजिएगा, अन्यथा हम 11th पढ़ाएंगे, या कभी इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इस टर्म को एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेशन रूल हम पढ़ा देंगे, स्पष्ट ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए छोटू। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन बहुबंध बनाने की क्षमता को देखेंगे, स्पष्ट ना। तो इसको नोट कर लीजिए छोटू। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा विशेषताएं देख रहे हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध बनाने की क्षमता कार्बन की। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, चलिए दूसरा, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड माने कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को बेसिकली क्या कहा जाता है, मल्टीपल बॉन्ड। बहुबंध बनाने की क्षमता, हिंदी क्या होगा, बहुबंध बनाने की क्षमता, लिख सकते हैं आप लोग हिंदी। तो कार्बन परमाणु निम्न प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन परमाणु, कार्बन एटम निम्न प्रकार के बॉन्ड बना सकते हैं, चाहे बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन यही डबल बॉन्ड आपस में बना सकता है, ये कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, स्पष्ट ना। कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड भी फर्क कर सकते हैं, आप समझ गए। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, माने कार्बन निम्न प्रकार के बॉन्ड बना सकते हैं या बनाते हैं, क्लियर। तो इसको आप नोट करिए फटाफट। इसके बाद तीसरा अब हम लोग देख रहे हैं, तीसरा, चलिए इसको नोट कर ले पहले, तीसरा हम लोग देखेंगे श्रृंखलन, क्या केटानेशन, तीसरा हम लोग देख रहे हैं कार्बन का श्रृंखलन गुण, श्रृंखला केटानेशन, केटानेशन प्रॉपर्टी।
तो श्रृंखलन गुण क्या है? श्रृंखलन गुण क्या है? इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने के गुण को, कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने के गुण को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन कहा जाता है, ठीक है ना। कार्बन परमाणु स्वयं के साथ जुड़ते चला जाएगा, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन कहा जाता है। इसका जिक्र पहले लेक्चर में भी किया गया, सेकेंड लेक्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु के आपस में, के आपस में जुड़ने के गुण को, जुड़ने की गुण को श्रृंखलन कहते हैं, कहते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे कार्बन ये आपस में जुड़ते चला जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, बहुत सारा गुण ये प्रदर्शित करता है श्रृंखला में, बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ये बात समझ में आ गया? चलिए इसी में हम लोग बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं। तो कार्बन की श्रृंखलन की बॉन्ड एनर्जी अत्यधिक होती, सर्वाधिक होती है। तो इसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या कवर कर सकते हैं, कवर क्या कर सकते हैं, एक मिनट। कार्बन की श्रृंखलन की बॉन्ड एनर्जी अत्यधिक होती है, तो यहां पर लिखेंगे कार्बन की श्रृंखलन की बॉन्ड एनर्जी अत्यधिक होती है या सर्वाधिक होती है, अत्यधिक होती है। तो हम लोग देख रहे हैं बॉन्ड एनर्जी इन कैलोरी, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी इन कैलोरी, ठीक है ना। जैसे बॉन्ड एनर्जी हम देखेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, स्पष्ट ना। ऐसे ही नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस। अब देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी 85 कैलोरी होती है, ठीक है ना। यही चीज यदि हम सिलिकॉन पर आते हैं तो इसका बॉन्ड एनर्जी 54 होती है, नाइट्रोजन की 50 होती है और फास्फोरस की 39 होती है, स्पष्ट ना। अब हम लोग चौथा, ये तीसरा हो गया, चौथा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, स्पष्ट ना। सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में आइडिया लेंगे, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में आइडिया लेंगे। तो सबसे पहले कि आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, तो बच्चों चौथा विशेषताएं कार्बन की देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन? प्रसंकरण हिंदी होता है। तो चौथा हम लोग देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। किसी किसी किताब में एस के जगह पर जेड भी लिखता है, ठीक है ना, वो भी सही है, ठीक है ना। हिंदी होता है प्रसंकरण, प्रसंकरण। अब ध्यान दीजिएगा, प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन, इसको जानने से पहले हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम लोग छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं सिग्मा और पाई का, तो सिग्मा बॉन्ड, कौन बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, किस तरह से बनता है? तो ये ना एटॉमिक ऑर्बिटल के कोएक्सियल माने पट, कोएक्सियल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनता है। तो लिख सकते हैं इसमें इट इज फॉर्मड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो लिख देते हैं इंग्लिश में, लिखेंगे बाबू कि इट इज फॉर्मड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एस ऑर्बिटल का शेप गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है,
तो एस और एक एस एक दूसरे पर चढ़ना माने की ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग वर्ड क्या है यहाँ पर, एक दूसरे पर चढ़ेगा, ठीक है ना, उसी को ओवरलैपिंग अति व्यापन कहा जाता है हिंदी में। तो ये ओवरलैप पट पट हुआ है ना, को एक्सियल हुआ है ना, तो यहाँ पर जो बाउंड जनरेट होगा वह सिग्मा बाउंड होगा, स्पष्ट ना। ऐसा ही मान लीजिए एस पी, तो एस का सेप गोलाकार और पी का डम्बेल आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे पर चढ़ा है, पट पट ना चढ़ा है, तो यहाँ पर भी जो बाउंड बनेगा वह सिग्मा बाउंड बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा बाउंड बनेगा। ऐसा ही पी पी का ओवरलैपिंग करा सकते हैं, ये पी है, ये भी क्या है, पी है, सिग्मा बाउंड बन रहा है, कौन बाउंड बन रहा है, सिग्मा बाउंड, क्योंकि पट ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये था सिग्मा बाउंड किस तरह से फॉर्म होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तुरंत पाई बाउंड को, नोट कर लें। पाई बाउंड दूसरा क्या है बाबू, बोलो, पाई बाउंड, पाई बाउंड, पाई बाउंड, ठीक है ना। अब पाई बाउंड इट इज फॉर्म बाय, चाहे इट इज, इट इज फॉर्म बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कोलेटरल दैट मींस फेस टू फेस, अगर बोल सकते हैं फेस टू फेस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे इट इज, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय कोलेटरल या फेस टू फेस कोलेटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है ना, दो ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुआ है लोभ का, तो ये तो पट न हुआ है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कौन बॉन्ड बनेगा बोल यार, सिग्मा बॉन्ड। और ये फेस टू फेस यदि ओवरलैपिंग कर दे तो यहाँ पर जो बनेगा ना, यहाँ पर जो बनेगा ये कौन बॉन्ड बनेगा, बोलता कहा नहीं है, पाई बॉन्ड बनेगा, कौन बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनेगा, स्पष्ट ना। तो यहाँ पर एक नोट आएगा, नोट ये लिखाने वाले हैं बाबू कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इसमें दोनों में तू कंपेयर करो, यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो तू बताओ कौन मजबूती से बनेगा, ये वाला मजबूती से सिग्मा बन रहा है कि ये वाला मजबूती से, ये वाला कभी मजबूत होगा ना। तो यहाँ पर यही नोट होगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बाउंड से क्या होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि सिग्मा बाउंड के निर्माण में जो ओवरलैपिंग होता है वो अधिक होता है, स्पष्ट ना। तो यहाँ पर नोट लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पर नोट लिख लो, ठीक है ना, बोले लिखो, सिग्मा बाउंड पाई बाउंड से, सिग्मा बाउंड पाई बाउंड से स्ट्रांग होते हैं, सिग्मा बाउंड पाई बाउंड से स्ट्रांग होते हैं, सिग्मा बाउंड पाई बाउंड से स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि क्योंकि सिग्मा बाउंड में अधिक ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि सिग्मा बाउंड में अधिक ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि सिग्मा बाउंड में अधिक ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है। अब यहीं पर नोट नंबर टू लिख सकते हैं, नोट नंबर टू ये लिखा जा सकता है कि यहाँ पर जब ये मॉलिक्यूल मान लीजिए है पाई बाउंड बन गया, सिग्मा बाउंड बन गया, तो यहाँ पर कौन कमजोर है, ये तो बात क्लियर है, यहाँ पर रिएक्शन में जब भाग लेगा तो कौन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, पाई वाला के कि सिग्मा वाला के, तो सिग्मा बाउंड तो बीच में है और पाई बाउंड बाहर है, तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो पहले कौन बाउंड टूटेगा, पाई बाउंड टूटेगा, तब ना सिग्मा बाउंड, बोलो सही बात है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी क्रियाशीलता की बात करें कि कौन क्रियाशील ज्यादा है, तो पाई बाउंड क्रियाशील ज्यादा है, क्योंकि ये तो बीच में है, पहले तो ये ब्रेक होगा रिएक्शन के द्वारा, तब ना ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं छोटू, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, पाई बाउंड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बाउंड, तो यहाँ पर लिख दीजिए पाई बाउंड इज मोर, पाई बाउंड इज मोर रिएक्टिव देन, माने क्रियाशीलता, रिएक्टिव देन सिग्मा बाउंड, सिग्मा
बॉन्ड। तो आप इसको नोट कर लें, क्लियर लिख लो। तो बच्चों यहां पर हम स्ट्रक्चरल ले रहे हैं, कार्बन की स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन इधर लिखा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसको लिखेंगे, बॉन्ड एंगल कितना होता है उसको लिखेंगे, और इसका शेप कैसा होता है उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड यहां बनाया है, कार्बन केवल कौन बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो यहां पर ध्यान रहे कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा एक और पाई जीरो, डबल बॉन्ड में सिग्मा एक पाई एक, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा एक और पाई दो होता है। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्लियर ना। तो देखिए काउंट करते हैं, तो इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है तो एक दो तीन चार गो सिग्मा है, कमा पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, जीरो है, स्पष्ट ना। और इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लोन पेयर की संख्या चार आए ना तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसको हम सिखाएंगे, अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन सिखाएंगे, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल sp3 जब होता है शेप तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, स्पष्ट ना। इसका शेप होता है उसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, या इसी को संक्षेप में टीडी लिख सकते हैं, स्पष्ट ना। वैसे ही यह है, इसमें सिग्मा एक दो तीन सिग्मा और पाई एक। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। कैलकुलेशन अभी बताएंगे कैसे sp2 आया। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, जो शेप इसका होगा शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, स्पष्ट ना। ऐसे ही बहु यहाँ पर सिग्मा एक और यहाँ एक दो सिग्मा और पाई भी दो, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है, शेप इसका लीनियर होता है, रैखिक सीधा, स्पष्ट ना। देखो तो सीधा है ना, ये ट्राइगोनल है ना, टेट्राहेड्रल है ये, स्पष्ट ना। ये देखिए इसमें भी सिग्मा दो और पाई दो होता है। कैलकुलेशन सिखाएंगे सिग्मा वन पाई वन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इसके बेसिस पर हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, स्पष्ट ना। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp होता है, स्पष्ट ना। उसके बाद इसका एंगल भी क्या होगा, जब sp होगा तो 180 डिग्री, आफ्टर दैट लीनियर। इसका शेप भी क्या होगा, रेखीय होगा, लीनियर, स्पष्ट ना। और एक ध्यान में रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं बाबू। स्टेरिक नंबर sn, स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। यदि इसकी संख्या चार आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तीन आए तो sp2, दो आए तो sp। तो इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम लिखा देते हैं फॉर्मूला और सब चीज। चलिए नोट करो, मिटा रहे हैं इसको। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के टेक्निक को, ठीक है ना। आपको ट्रिक्स भी बताया जाएगा कैसे हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से फटाफट निकाल लें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो स्टेरिक नंबर जिसको संक्षेप में sn लिखते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर lp, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसका वैल्यू यदि चार आए ना तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है ना। तीन आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, दो आए बाबू तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। बस इतना बात ध्यान में रहे। जैसे हम एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं पहला CH3+। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेना ना तो उसको कार्बो केटायन चाहे कार्बोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, कार्बो केटायन है,
कहते हैं, इसी को कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। और इसका एक्सपांड कर रहे हैं, इसको चलिए एक्सपांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर SN निकाल रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3 और लोन पेयर एक भी नहीं, माने 0। थ्री आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP2 होगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? वो SP2 होगा। क्लियर ना? दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं भाई, CH3 पर माइनस ले रहे हैं। ध्यान रहे कार्बो के टाइम का हाइब्रिडाइजेशन प्रायः SP2 होता है, स्पष्ट ना? क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बोनियम आयन, चाहे इसी को बोल सकता है, कार्बो के टाइम का प्रसंकरण होता है, क्या होता है? SP2 होता है। जब निगेटिव रहे ना, तो इसको कार्ब एनायन कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्ब एनायन के नाम से जाना जाता है। इसको एक्सपांड करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पर निगेटिव चार्ज है। ध्यान रहे निगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। तो इसका स्टेरिक नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो सिग्मा 1, 2, 3 आप प्लस, एक निगेटिव है चाहे लोन पेयर, इसको मान लो तो कितना आएगा? 4। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे भाई SP3 होगा। कोनो कंफ्यूजन पर नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रहे हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह के एग्जिस्ट करते हैं, SP SP2 SP3। स्पष्ट ना? तो इसके बाद हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से रिलेटेड बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखेंगे। अभी इसको आप नोट करें, तो बाबू ये हाइब्रिडाइजेशन का हमने फॉर्मूला बताया है आपको, ट्रिक के बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताने वाले हैं। स्पष्ट ना? इससे पहले कि हम लोग को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन बाबू? एसपी SP2 और SP3। इसमें आपसे पूछा जा सकता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है ना? तो एस कैरेक्टर इसमें पूछ सकता है, तो एस कैरेक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। क्या करिएगा, 100 ले लीजिएगा और कितना ऑर्बिटल है, ठीक है ना? एस और पी है तो दो है, तो 1/2, तो इसमें एस कैरेक्टर कितना आ जाएगा? 50%। हम तुमसे कह दे पी बताओ, तो पी भी कितना हो जाएगा? 100 में से 50 घटा दीजिए। ऐसा ही इसमें एस कैरेक्टर मेरे को निकालना है, तो 100 ले लेंगे और कै गो है? एस एक और पी दो है, तो 1/3 कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे 37.33% आएगा। पी पूछ दे तो 100 में से घटा दीजिएगा, 100 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो 66.something आएगा, 66. कितना आएगा? 6-7 के आसपास आएगा, ठीक है ना? इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे ही मेरे भाई यदि SP3 में पूछा जाए, किसने SP3 में पूछा जाए तो क्या होगा? 100 ले लेंगे, 1/3 को पी और एक एस, 4 से भाग दे देंगे, कितना परसेंट आएगा? तो 25% क्या आएगा? एस कैरेक्टर। और इसी में तुमसे पी कैरेक्टर पूछेंगे तो 75% आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं है? और एक बात ध्यान में रखना है मेरे भाई कि जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस, परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की ऑर्डर की बात करें, EN माने इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के ऑर्डर की बात करें, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान किसका होता है बाबू? तो कहिएगा सर जी SP का होता है, क्योंकि परसेंटेज एस मैक्सिमम है, देन SP2, फिर SP3। किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में अच्छा से आ रहा है? चलिए इसमें नेक्स्ट हम लोग ये भी समझ सकते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ BL लिख दे, बॉन्ड लेंथ को, बंधन लंबाई को BL लिख दे, BL। तो जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जितना ही ज्यादा होता है उसका BL बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होता है। तो बॉन्ड लेंथ के कंपेरिजन की बात करें कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बाबू मेरे, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? तो एकदम उल्टा है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का बॉन्ड लेंथ क्या है? उल्टा है। तो ये क्रम उलट जाएगा, सबसे ज्यादा SP3 वाला कार्बन का होगा,
फिर SP2, फिर मेरे भाई SP। स्पष्ट ना। इसी तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जा सकती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ध्यान रहे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए समानुपाती होता है। जिसका जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड की मजबूती उतना ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पर यदि क्रम पूछ दिया जाए कि छोटू आप बता दीजिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्रम कि SP2 और SP3 में किसका ज्यादा होगा, तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा, दैट मीन्स क्रम ये हो जाएगा, ठीक है ना। और एक रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत समानुपाती होगा। तो ये सारी कंसेप्ट आपको ध्यान में रहनी चाहिए, छोट छोट कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन के थ्रू, इसके एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर लिखा गया है, इसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के मान को भी हम लिख सकते हैं। SP का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है, उसके बाद SP2, उसके बाद SP3। इसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू, SP का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू होता है 3.25। SP2 का 2.75, ठीक है ना, और इसका 2.5 होता है। स्पष्ट ना, ये वैल्यू भी आप ध्यान में रख सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। तो बच्चों इसके आगे हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन, बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाया जाएगा। और हाँ, ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत ही हम शानदार अगला लेक्चर में हम बहुत ही शानदार आपको ट्रिक्स बताएंगे, जिसके माध्यम से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप देखते बिना पेपर कलम के आसानी से देखते आंसर को क्लिक कर दीजिएगा, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और अगले क्लास में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएंगे आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निरूपण बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।